एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं बिहार एसएससी स्टेनोग्राफर की भर्ती के बारे में। जो भी बच्चे से स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं या जो भी लोग स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा मौका है एग्जाम टारगेट करने का और अपना बेस्ट देने का। तो सबसे पहले उन बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ लक जो भी बिहार एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी में लगे हुए हैं। तो आज की वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे क्राइटेरिया क्या है, फिर एग्जाम पैटर्न और फिर एग्जाम सिलेबस के बारे में जानेंगे विस्तार से। तो बने रहिए आप मेरे साथ इस वीडियो में। इससे पहले दोस्तों, आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि बिहार रोजगार से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहे। ठीक है, तो बने रहिए आप मेरे साथ इस वीडियो में। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। स्टेनोग्राफर की दोस्तों आप भर्ती देख सकते हैं, कुल पद कितने हैं टोटल, तो 225। ठीक है, 225 पद है, और जो कि 27 हैं ये स्टेनोग्राफर के अलग पोस्ट हैं। यानी कि आप देख सकते हैं जो मेन स्टेनोग्राफर है, हिंदी हो या इंग्लिश में, ठीक है दोस्तों, ज़्यादातर इसमें सीटें जो है कि स्टेनोग्राफर की हिंदी स्टेनोग्राफर से हैं। तो जो भी बच्चे हिंदी सीख रहे हैं या हिंदी के स्टेनोग्राफर हैं, हिंदी स्टेनो लर्न कर रहे हैं, तो उनके लिए बेस्ट मौका है ट्राई करने का इस एग्जाम में। और सबसे पहले हम डेट देखेंगे, जो कि डेट कितनी है इसकी, तो 15 मई से 13 जून तक। ठीक है, इसकी लास्ट डेट की बात की जाए तो जून तक है, 13 जून तक। ठीक है, जो कि 15 जून को पोस्ट डेट थी इसकी, और ये जो है लास्ट 13 जून तक है। एज की बात की जाएगी इसमें, तो कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, तो मिनिमम जिनकी 18 एज है वो भी फॉर्म भर सकते हैं, और मिनिमम 18 एज जनरल कैटेगरी वालों के लिए है। ठीक है, फीमेल्स के लिए 40 है, और ओबीसी एसटी ईबीसी जो भी है उनके लिए 42 एज है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे मेल जेंडर के लिए कितनी है, 37 है, वो भी जनरल कैटेगरी वालों के लिए। और बात की जाए अगर ओबीसी ईबीसी वालों के लिए, जो भी अनारक्षित वर्ग के हैं, तो उनके लिए 40 दी गई है यहाँ पे। ठीक है, और फीमेल्स के लिए 42 दी गई है। यहाँ पे आप देखेंगे फीस की बात की जाए, तो जो भी है जनरल कैटेगरी वाले हैं और ईबीसी ओबीसी अदर स्टेट वालों के लिए 540 यहाँ फीस बताई गई है। ठीक है, और फीमेल्स के लिए 135, फीमेल कैटेगरी के लिए 135 है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी जो भी है वो 135, वो भी कहाँ के लिए, बिहार स्टेट के लिए। ठीक है, बिहार स्टेट के स्थायी निवासियों के लिए 135 है, और जो कि फीस यहाँ पे मैंने 540 बताई है वो अदर स्टेट वालों के लिए बताई है, और जो भी अनारक्षित वर्ग के हैं उन्हें भी 540 ही फीस भरनी पड़ेगी। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 12th पास स्टेनोग्राफी के लिए, 12th पास है यहाँ पे प्लस ITI। ठीक है, और यहाँ पे अब बात करें एग्जाम पैटर्न की, देखें हम एग्जाम पैटर्न को, तो आपका रिटर्न एग्जाम होगा। ठीक है, इसके बाद होगा स्टेनोग्राफी टेस्ट। यदि आप एग्जाम में पास कर जाते हैं, जो भी एग्जाम होगा रिटर्न एग्जाम उसमें पास कर जाते हैं, तो आपको स्टेनोग्राफी टेस्ट देना होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, सिंपल प्रोसेस है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। आप शिक्षा उसके बारे में बात करें, सिलेबस की एग्जाम सिलेबस के बारे में बात करें, तो एग्जाम सिलेबस भी काफी ईजी है इसका। ठीक है, एग्जाम सिलेबस जीके जीएस कॉम्प्रिहेंशन रीजनिंग मैथ। ठीक है, मैथ रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी इंग्लिश जीके जीएस। ठीक है, ये सब चीजें जो कि ऑलमोस्ट एसएससी के एग्जाम में हम पढ़ते हैं और तैयारी करते हैं, उन्हीं से रिलेटेड ये सारे टॉपिक्स हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो फिर आपको इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत इजी पैटर्न है सिलेबस का। अगर आप इस सिलेबस के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं कि जीके जीएस में कौन कौन से टॉपिक होंगे, कॉम्प्रिहेंशन में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, तो मैं इसके लिए आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तो। ठीक है दोस्तों, तो और बात करें अब इसके मार्क्स, टोटल अंक की, मतलब मार्क्स की कितने नंबर का पेपर होने वाला है, तो टोटल जो पर्सन होंगे दोस्तों 150 अंक के पर्सन होंगे। ठीक है, और ये जो 150 अंक के पर्सन होंगे, इसमें एक पर्सन का सही उत्तर देने पे 4 अंक प्राप्त होंगे, यानी कि 4 नंबर प्राप्त होंगे। कुल जो अंकों की संख्या होगी
वो होगी 600, 600 नंबर का पेपर होगा और प्रश्न की संख्या कितनी होगी तो 150 होगी, ठीक है। एक एक उत्तर का 4 अंक प्राप्त किया जाएगा, प्रत्येक एक गलत करने पर कितने अंक कटेंगे तो एक, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिए जाएंगे, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपको समझना आ गया होगा। अब बात करते हैं जनरल ओबीसी ईबीसी एसटी एसटी जनरल फीमेल और विकलांग वालों के लिए कि कितने परसेंट पे वो सेलेक्ट हो सकते हैं, और जो कि उनका देखिए यहाँ पे जनरल वाले जो है 40% लाना अनिवार्य है, ठीक है। सिलेक्शन के लिए किसको कितना लाना अनिवार्य है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम एग्जाम टारगेट करते हैं और तैयारी करते हैं तो, ठीक है। ये उनके लिए काफी अच्छा मौका है जो एससी एससी ओबीसी कोटे से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो उनके लिए कितना अनिवार्य है सिलेक्शन के लिए, जनरल के लिए 40% लाना अनिवार्य है, ठीक है। और ओबीसी 36.5%, ईबीसी 34%, एससी एसटी का जो है जो भी बच्चे जो भी लोग वो 32%, और यहाँ देखेंगे जनरल फीमेल जो है वो भी 32%, ठीक है। दिव्यांग जनरल परसेंट जो भी दिव्यांग है जनरल में, जनरल कोटे में भी अगर कोई दिव्यांग स्टूडेंट है या जो भी लोग हैं तो उनको भी 32% लाना अनिवार्य है सिलेक्शन के लिए, ठीक है। रिटर्न एग्जाम में इतना लाना अनिवार्य है तब जाके आप इसके लिए इलिजिबल होते हो, स्टेनोग्राफी टेस्ट के लिए इलिजिबल होते हो। यानी कि कहने का मतलब है अगर आप रिटर्न में 40% और ये जो भी मैंने आपको बताया फीमेल से 32%, ठीक है, और दिव्यांग जो कि जनरल कैटेगरी में ही आते हैं वो भी 32% प्राप्त करते हैं तो स्टेनोग्राफी टेस्ट के लिए आप इलिजिबल होते हो, ठीक है। और आपको अगर स्टेनोग्राफी से जुड़ी वीडियोस पसंद है और आप अगर देखना चाहते हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं आपके लिए स्टेनोग्राफी से जुड़ी कुछ नई वीडियो ला सकूं, ठीक है दोस्तों। आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे अच्छी तरीके से।